ये लोग हैं कौन? जरूर कुछ गड़बड़ करने आए हैं। लगता है शहर में नए दिख रहे हैं। हो ना हो कुछ खुराफात करने की सोच रहे होंगे। मैं अभी टीम को इन्फॉर्म करता हूँ। हेलो हेलो हेलो, बैकअप फोर्स जल्दी भेजो, यहाँ 5 टेररिस्ट जैसे लोग दिखाई दे रहे हैं। ये जरूर कुछ बड़ा करने आए हैं। उनके हाथ में बैग्स हैं जिनमें बॉम्ब हो सकता है। बैकअप जल्दी भेजो। अरे अब हमने क्या किया? तुम लोग नहीं सुधरोगे। तुम लोग जरूर कुछ करने आए हो, नहीं तो बार बार तुम लोग ही क्यों पकड़े जाते हो? बताओ इंस्पेक्टर साहब, हम क्या करें? आप लोग बार बार हमें ही पकड़ लेते हैं। तुम्हारी बातें मानने को तो दिल करता है, लेकिन छोड़ने को दिल नहीं करता। दिमाग कहता है कि तुम लोगों को पकड़ कर रखूं, तुम लोगों को उल्टा लटकाऊं और पूछूं कि क्या करने आए हो। मैं गारंटी लेता हूँ इस बार, मेरी गारंटी पर इनको छोड़ दीजिए। इंस्पेक्टर, फिर कभी ऐसा नहीं होगा, हम पुरपुरी नगर चले जाएंगे। ठीक है, जाओ। अरे भागो यहाँ से, ये बहुत प्रॉब्लम वाली जगह है। हमारी मांगें पूरी करो, हमारी मांगें पूरी करो। भागो, भागो। अरे इस बार नहीं भागना है, नहीं भागना इस बार, बहुत हो गया। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। अरे क्या बकवास लगा रखी है, बार बार गला फाड़ रहे हो। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। अरे कौन सी मांगे पूरी नहीं हुई तुम्हारी? अरे भाई क्या बात कर रहे हो, हमें लंच के बाद आराम करने का टाइम नहीं देते, रेस्ट मिलना चाहिए कि नहीं? सुबह सुबह हम काम पर आते हैं तो नाश्ता अच्छा नहीं मिलता है, नाश्ता अच्छा देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? शाम के समय चाय के साथ बढ़िया स्नैक्स, समोसे, पकोड़े वगैरह मिलने चाहिए कि नहीं? बताइए बताइए, क्या गलत डिमांड की हमने? अरे इतनी महंगाई के जमाने में तुम्हें तनख्वाह मिल जाती है, यही बहुत बड़ी बात है, और तुम्हें चाय नाश्ता चाहिए? हाँ, तुम लोग अपने अपने घर में नौकर रखते हो? हाँ बताओ, रखते हो कि नहीं? हाँ, रखते हैं। तो उससे इतनी सहूलियत देते हो तुम लोग, नौकर को देते हो? हाँ, अरे किसी के घर में काम वाली बाई भी होगी, किसी के घर में माली भी होगा, किसी के घर में ड्राइवर भी होगा। आप बताओ तुम लोग कि उसे नाश्ते में क्या क्या देते हो? बताओ, खाने में क्या देते हो? भागो रे, राजा ने देख लिया, भागो, जान बचाओ। चलो पतलू, अपना काम तो हो गया। अरे वो शिकारी फिर से आ गए। वो रहे दोनों शेर। अरे ये क्या चीज है, ये तो दो पैरों पर भागे जा रहे हैं। पकड़ लो, खींच कर बाहर निकालो इन दोनों को, लेकिन होशियारी से। देखें तो ये आखिर है क्या चीज। यू आर अंडर अरेस्ट। इंस्पेक्टर साहब, ये हमारा शिकार है, हमने इसे पकड़ा है। तुम्हें पता नहीं कि शेर का शिकार करना गैर कानूनी है? गैर 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 कानूनी। तुम लोग किसके चक्कर में पड़ गए? ये कोई शेर वेर नहीं है, ये नकली शेर है। अरे ये तो इंसान है। हाँ, ये नकली आए, पर मैं इंस्पेक्टर चिंगम असली असली असली, और मैं तुम सबको जेल में डाल दूंगा। अरे बाहर तो निकलो। अच्छा तो तुम लोग नकली हो, असली तो बीमार है। चलो भाइयों, खत्म करते हैं इसे। नहीं चिंगम सर, ये तो नहीं होने दूंगा मैं, कभी नहीं। मोटू येलो, समोसे खाओ और शुरू हो जाओ। जय हो। समोसे समोसे समोसे। अरे
यहाँ के राजा बनेंगे। हाँ आता हूँ मैं इस जंगल का राजा हूँ। तुम जैसे भेड़ियों से डरता नहीं मैं। एक एक को देख लूंगा। आता हूँ गद्दारो, आता हूँ। तुम्हारे राजा होने के दिन गए, हमें पता है तुम बीमार हो और तुम्हारी जगह वो दो इंसान नकली शेर बनकर घूम रहे हैं। आइडिया, ये देखने के लिए कि तिजोरी कुछ गड़बड़ करती है कि नहीं, आज रात इसमें रुपया पैसा रख देते हैं। हेलो बॉस, मोटू पतलू के घर के बाहर आ जाओ। पकड़ी गई, पकड़ी गई, चोरनी तिजोरी पकड़ी गई। अरे नहीं छोड़ूंगी, छोड़ूंगी नहीं तुम लोगों को। रुको, कहाँ भाग रही हो? रुको, नहीं छोड़ूंगी तुम दोनों को। तुम लोगों ने मुझे रंगे हाथों पकड़ा। हाँ? चिंगम सर, हेल्प, हेल्प, डोंट वरी, मैं अब भी आया। अय्या पतलो, तुम्हारे ऊपर में भूत सवार हो गया है, तुम भी सपना देखने लगे। भला तिजोरी कहीं ऐसा कर सकती है क्या? लेकिन चिंगम सर, सब घरों में तिजोरियां चोरी कर रही है। अरे ये तो इधर भी आ गए। मुझे एक्सपोज किया, अभी बताती हूँ। अभी तुम दोनों को तिजोरी में बंद करती हूँ। अंदर आओ। हेलो हेलो मित्रों, खतरा, इमरजेंसी, अरे सब आ जाओ। अरे रे रे रे, तिजोरी मेरे पैसे लेकर भाग रही है। रोको रोको उसे। बड़े भैया जल्दी आओ। मोटू मेरे भाई, मेरी यार, मैं आ गया। बड़े भैया कहाँ जा रहे हो? डॉक्टर झटका इतना स्टाइल मारा। अरे बड़े भैया के पास जाकर शिकायत करता हूँ, आप सब लोग हमारे पीछे क्यों पड़े हुए हो? ओके ओके ओके, बताता हूँ। ऐसा हुआ था, राजा जी ने बताया। चलो राजा जी के पास चलो, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। चलो। राजा जी, राजा साहब, ये दोनों तो चोरों को पकड़वाते हैं। मैं सच बोल रहा हूँ, ये चोर नहीं हो सकते। जरूर इनका मास्क लगा के किसी ने चोरी की होगी। मास्क 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 मास्क, मुक्का उठा। फिर तो उस चोर को पकड़ना जरूरी है, लेकिन कैसे पकड़ेंगे? पतलू, खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती, तुम ही कुछ सोचो जल्दी। आइडिया। राजा जी, आपको फुरफुरी नगर कैसा लगा? मुझे फुरफुरी नगर तो बहुत अच्छा लगा, पर मुझे यहाँ एक आदमी बहुत अच्छा लगा जो बहुत बहादुर है। मुझे ऐसे बहादुर अपनी फौज में चाहिए। वो मुझे कहीं से मिल जाए तो मैं उसको 1 करोड़ की सैलरी पर अपने पास रख लूंगा। उसे हीरे जवाहरात का इनाम भी दूंगा। कौन आदमी? ये देखिए।
अरे बॉस, कितना उड़ोगे गिरोगे? बॉस कितना बेहोश होगे? चलो जल्दी, वहाँ इनाम मिलने वाला है। जल्दी चलो। महाराज, मैं हूँ वो बहादुर इंसान जिसने आपका मुकुट लूटने की कोशिश की। अच्छा तो तुम हो, तो अपना असली चेहरा दिखाओ। महाराज, असली चेहरे का क्या मतलब? मैं असली हूँ। ये चेहरे वाला तो मेरे बगल में। लगता है फंस गए। अरे अब तो दो दो गए, इनाम किसको दूं? मैं आया था आपका मुकुट लेने। अरे घूरना बंद करो, पहले सब्सक्राइब करो।